अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में हम शब्द और विलोम शब्द देखेंगे, ठीक है, लफ्ज़ और उसके उलट अल्फाज, है ना। तो शुरू करते हैं। जो कठिन शब्द होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखें आप, और इसको आपको नोटबुक में जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे ही आपने निकालने हैं, लिखने हैं अच्छी हैंडराइटिंग में। तो इधर शब्द दिए हैं और इस कॉलम में दिए हैं विलोम शब्द, ठीक है। ये कॉलम शब्दों का है और ये विलोम शब्दों का है, ठीक है। ये शब्द और इसके उलट शब्द हैं। चलिए, आशा निराशा। आशा का मतलब होता है उम्मीद और निराशा नाउम्मीदी। विश्वास अविश्वास, ठीक है। विश्वास करना भरोसा करना और अविश्वास भरोसा ना करना। युवक वृद्ध, युवक कहते हैं नौजवान को, जवान को, और वृद्ध कहते हैं बूढ़े को। उसी तरह विस्तार संकुचित, विस्तार तफसील से और संकुचित मतलब मुख्तसर। आत्मा परमात्मा, है ना, आत्मा रूह और परमात्मा रब। मैदान पहाड़, लड़का लड़की। विषाद विषाद आनंद, ठीक है। विषाद का मतलब होता है उदास रहना या दुखी होना, और आनंद उसका उलट है। धैर्य अधैर्य, धैर्य मतलब सब्र करना और अधैर्य सब्र ना करना। मोटी पतली, नर्क स्वर्ग। नर्क का मतलब होता है जहन्नम और स्वर्ग मतलब जन्नत। चमक धुंधला, आवरण अनावरण। आवरण का मतलब होता है पर्दा करना और अनावरण मतलब पर्दा ना करना। सत्य असत्य, सत्य मतलब सच्चा और असत्य झूठा। कठोर मुलायम, कठोर का मतलब होता है सख्त और मुलायम तो आप जानते हैं। प्रारंभ समाप्त, प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत और समाप्त मतलब, समाप्त का मतलब होता है खत्म करना। आस्तिक नास्तिक, आस्तिक मतलब आस्था रखने वाला, है ना, किसी चीज़ में आस्था रखना। जैसे हम आस्था रखते हैं कि रब है, है ना। जो भी धर्म धार्मिक लोग हैं वो कुछ ना कुछ आस्था रखते हैं, है ना। तो आस्था रखने वाले आस्तिक, और नास्तिक किसी चीज़ में उनकी आस्था नहीं होती, यानी वो किसी रब को नहीं मानते, ठीक है। ऐसे लोगों को नास्तिक कहते हैं बेटा, ठीक है। तिरस्कार सम्मान, तिरस्कार करना जलील करना, और सम्मान देना मतलब इज्जत देना। काल्पित वास्तविक, काल्पित काल्पित मतलब तसव्वुराती, तसव्वुर में होने वाला, और वास्तविक हकीकी, हकीकत में जो होता है वो। तो काल्पित और वास्तविक एक दूसरे के उलट। काल्पित का एक मिसाल मैं आपको ये भी देता चलूँ कि काल्पित में जैसे हम जो स्टोरीज़ देखते हैं भी, कोई जानवर बात कर रहा है ना, खरगोश बात कर रहा है, शेर बात कर रहा है, चूहा बात कर रहा है ना, तो ये सब कल्पना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, काल्पित है। हकीकत से इसका कोई वास्ता है नहीं। आपने हकीकत में किसी शेर को, किसी बिल्ली को, है ना, हंसते देखा है क्या, बात करते देखा है क्या, नहीं। तो ये सब काल्पित बातें हैं, है ना, इससे वास्तविकता का कोई दूर दूर तक नाता नहीं। तो वास्तविक मतलब हकीकी। अनोखा साधारण, कंगाल धनी, है ना, कंगाल और धनी। कंगाल फुकड़ जिसको आप बोलते हैं, जिसके पास कोई पैसा ना, और धनी धनवान, जिनके पास, जिसके पास, जो अमीर हो, है ना, उसे धनी कहते हैं। काक और कोयल, काक मतलब कौवे को कहते हैं और कोयल तो आप जानते ही हैं कुकू, है ना। इनकी आवाज़ की वजह से इनके इनको विलोम शब्द में लिया गया है कि कौवे की आवाज़ ख़राब होती है और कोयल की बहुत अच्छी सुरीली। कर्कश और मधुर, कर्कश बुरी आवाज़, है ना, ख़राब लगने वाली, और मधुर अच्छी लगने वाली चीज़, ठीक है।
तो बेटा ये कुछ 23 वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, इनको और आप बढ़ा सकते हो तो इसको 50 तक के हम ले जाएंगे इंशाल्लाह आगे। तो आगे भी आप जुड़े रहें इंशाल्लाह। आज के लेसन में इतना ही, इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, है ना, और हमारे लिए भी आप दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम सबको भी सेहतमंदी तंदुरुस्ती दे और हर आफत बला बीमारी से बचाए। अल्लाह हाफिज़।